जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और ईद गुजर गई है। और कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। मेरी कैसी गुजरी वो तो आप बताएंगे। मैं बनाऊंगा पिज़्ज़ा, बताऊंगा आपको कि कैसे, क्या उसमें एक्सक्यूज क्या मी क्या डलता है। बस फिर तो वो अब ऐसा है कि आप भी देखिए, बोलिए कुछ। हाँ हाँ वो भी देखेंगे जब आप बताएंगे ना। जी जी तो वो देखेंगे, वरना मेरा ख्याल है कि मैं बता दूं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, एक कोई सा भी बोल ले लें। अच्छा ये है जी मैदा, ठीक है। और मैदा हम ले रहे हैं कितना, ये हम दो पिज्जाज की डो बना रहे हैं, ठीक है ना, दो मीडियम पिज्जाज की। इसको बराबर का कप जो है ना, इसको मेजरिंग कप में। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक, ठीक है ना। अच्छा हाँ, दूसरा आपने ये क्या कहना है? अब ये दूसरा, ठीक है। एक डाला पहले कप। हाँ जी ठीक है। दूसरा कप, ठीक है। और ये डाला मैंने इसमें भर के मेजरिंग का पूरा फुल। तीसरा हो गया? हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जनाब इसको हम कर देंगे साइड पे, क्योंकि जब हम इसको गूंधेंगे तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक बात है। ये अब हम डायरेक्टली मैदे में ही मिलाएंगे। ये यीस्ट जो है, इंस्टेंट यीस्ट कोई सा भी, अच्छा कोई सा भी इंस्टेंट यीस्ट का पैकेट ये साशे लेके, ठीक है जी। ये हमने डाला, इसके अंदर स्प्रेड कर दिया डायरेक्टली। अब हम इसमें क्या डालेंगे? इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी। और ये पिसी हुई चीनी है, मैं पिसी हुई चीनी लेती हूँ, आप पीस के डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ये हमें डालनी है, जस्ट अ सेकंड, लाइक वन इज इनफ, ठीक है। थोड़ी सी और डाल देते हैं, जरा सी और। नमक डाला, चीनी डाली, यीस्ट डाला, और अब इसमें हम थोड़ा सा ना पाउडर्ड मिल्क डालेंगे, कोई भी। हाँ जी, नाज़रीन इधर ध्यान करें प्लीज। अच्छा एक चम्मच ये जो है खाना खाने वाला ही बन जाता है, ये मैंने इसमें मिला दिया। एक और मिला रही हूँ मैं, ठीक है, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये क्या मिलाया आपने? सूखा दूध है ये, कोई अच्छा। सा भी ले ले, ये हो गया। अच्छा साइड पे कर देते हैं। अब मुझे चाहिए विस्क, वेट, ठीक है, इसी तरह से मिक्स हो गया ये यीस्ट और इसमें। अब हमने इसमें पानी जो डालना है, पानी डालना है। हाँ आपको कैसे पता है? मुझे बिल्कुल, मैं बनाता रहा हूँ बहुत अरसे तक। अच्छा इसमें पानी डालेंगे नीम गरम से, ज़रा सा ज़्यादा वार्म जी, ठीक है, वार्म से भी एक हाथ, मतलब जिसमें उंगली डूब जाए, और जले ना। अच्छा अच्छा, उंगली डूब जाएगी फिर तो उसमें। अच्छा जी, ये मक्खन इसमें मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने एक वेल बना के, उसमें छलांग नहीं मारनी जी, उसमें ये मिक्सचर हमने ऐड कर देना है, ठीक है, मगर हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। ये देख रहे हैं ना आप इसको, ये अभी सिर्फ ऐसा हुआ है जैसा हम आटा गूंथते हैं शुरू में, तो वो ऐसा दिखता है। तो अब हम इसको खा लेंगे बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी बनाएंगे इसको। हाँ ठीक, अभी बन जाएगा, रुके। इसको अब हम इस सरफेस को क्लीन करके जी, और हम इसको इसके ऊपर गूंदेंगे, ठीक है ना। ओके अच्छा जी, अब थोड़ा सा ये जो हमारे पास बाकी है मैदा, उसको हम यहाँ पर डाल के यहाँ पर रख लेंगे। ये देखें आप, अब अपने हाथों को थोड़ा सा हम ये लगा के इसको नीड करना शुरू करेंगे। नीट करेंगे हम इसे,
इसकी नीडिंग जो है ना वो इस एक्शन में होती है कि हम उसको फॉरवर्ड एंड पुश बैक। तो थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं मिलाइएगा क्योंकि इसकी फिर नरमी नहीं बनती जब ये बेक होता है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है ये, मगर ये तो आपने बताना था मुझे, मैं सिखा चुका हूँ। अब ये राइज होने के लिए हम रखेंगे इसको, ठीक है? ये मैं करूँगा ना? नहीं आप, ये मैं नहीं दे रही आपको, फिर छोड़ते नहीं आप इसको। अच्छा अब इस डो को ना अगर हम किसी भी क्लीन शॉपिंग बैग में डाल के रखेंगे ना राइज होने के लिए, तो ये जल्दी राइज करेगी बजाय कि हम इसको खाली रख दें। और किसी वार्म जगह पे रखेंगे जैसे कि माइक्रोवेव। अच्छा जी अब हम देखते हैं कि हमारी जो डो है वो कैसी राइज हुई है, ठीक है? तो अब आप देख रहे हैं कि ये छोटी सी हमने रखी थी और ये बाहर तक आ गई, ये बड़ी हो गई अब। हाँ नेक्स्ट क्या है हमारा? अच्छा ये ना दो पिज्जाज की डो है, ठीक है, याद रहे ये बात। एक हम पैन लेंगे इस तरह का, ठीक है ना, और इसमें हम बटर लगाएंगे नीचे अच्छी तरह से, हम नीचे स्प्रेड कर देंगे हर तरफ। ये हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब इसको निकालने की बारी है, ठीक है? किसको? डो को। रेडी? तो ये देखें ये डिफ्लेट हो जाएगी इस तरह से और हम इसको निकालेंगे बाहर। इसमें एयर देख रहे हैं आप कितनी है? बहुत ज़्यादा एयर है इसमें, ऑन एयर। और हम अपना डो को यहाँ रख के इसको हम दो बराबर के हिस्सों में काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आई थिंक दिस इज ओके। और इसे स्टिकी, अगर ये ना हो ना तो फिर जो आपका पिज्ज़ा है ना वो नरम नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा अगर आपने इसको सख्त कर दिया। अब ये है हमारी एक पिज्ज़ा की डो। अब इसको कुछ भी हमने छेड़ना नहीं है ज़्यादा ताकि ये डिफ्लेट ना हो जाए, ठीक है? अब आप इसको ऐसे पेड़े की तरह से करके तंदूर में लगा दें। इसको इस तरह से हल्के हाथ से जब हम राउंड करते करते, अच्छा कुछ लोग इसको ना वो बेलने से भी करते हैं लेकिन उससे उसकी सारी एयर निकल जाती है, उससे नहीं करना, वो डो फ्लफी नहीं रहती ना। हाँ फिर वो जब बेक होगा ना फिर मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। जितना बड़ा पैन हो, अगर छोटा पैन है उसके मुताबिक फैला दें। राउंड कर लें इसे, हो गया जी। अब इसको एक पिज्जा की जो एक खास शक्ल होती है वो देने के लिए हम इसको यहाँ से अपनी फिंगर्स से यूं भी कर सकते हैं, अपना स्टाइल है अपना अपना तरीका है। ये अगर मैं करूँ तो कैसा होगा? नहीं आपको ये जो हो रहा है ना ये ना हो अभी। अच्छा बाद में हो जाए। बन गया जी? बन गया ये। अच्छा बन गया अभी? नहीं। अच्छा वेट कर, अभी रहता है। ओके अब इसमें हम डालेंगे इसके ऊपर जो सबसे पहले जाता है, इसके ऊपर सबसे पहले पिज्जा सॉस जाती है, ठीक है? ओके अगर खुल जाए कोई सी भी आप पिज्जा सॉस ले लीजिए, बाजार से ले लें या खुद बना लें। टमाटरों की बनती है वो, बहुत आसान है। उसकी प्यूरी के अंदर आप हर्ब्स डालें और जो भी आपको लहसुन अच्छा लगता है तो वो डालें। अदरक भी? नहीं अदरक नहीं प्लीज़। अच्छा अच्छा मुर्शिद खाना बहुत अच्छा पकाती हैं।
अच्छा जी, आपकी गाती भी बहुत अच्छी है। ये तो आपकी मोहब्बत है बस, हम तो कोशिश करते हैं। ऐसी कोशिश अल्लाह करेगी सब करें। अच्छा, पिज्जा सॉस लग गई ना, उसके बाद जो टॉपिंग का सीन है ना जी, वो बहुत ही ज्यादा उसमें वैरायटी है। वाइट उसमें जिसको पसंद है वो अपनी पसंद से उसमें मैरिनेट करके चिकन के चंक्स डाल ले, या जो बाजार से तिक्का चंक्स मिलते हैं वो डाल ले, या फिर सीख कबाब कभी आप एक वेरिएंट है उसमें। तो मैंने इस वक्त 2-3 सीख कबाब लेके ना, इसमें चिकन, ये चीज़ एंड टमाटो पिज्ज़ा ज़्यादा पसंद है मुझे भी, इसलिए मैं इसमें ज़रा कम चिकन डाल रही हूँ। ठीक है, टॉपिंग आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, अनियंस डाल सकते हैं, बेल पेपर डाल सकते हैं और हर्ब्स डाल सकते हैं, बहुत सी अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक होता है। और इसमें अब हम डालने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न्स, आपको भी पसंद है ना जी? हमारी पसंद ना पसंद एक ही है That's true. As per you know. ये हमने डाल दिया इसमें मोज़रेला, वो जितना डालना चाहे वो भी आपकी मर्जी है, हमें ज़रा ज़्यादा चीज़ ही पसंद है इसलिए। तो ये सारी टॉपिंग हमने इस पर की है और अब हम इसको 220 पे बेक करने जा रहे हैं फॉर 15-20 मिनट्स। हम कर देंगे बंद और नाज़रीन तैयार हो जाएं। ओवन ग्लव भी काम नहीं कर रहा, इट्स सो हॉट। नाइस, कमाल कमाल कर दिया आपने। चलें जी, बिस्को कट करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऊपर आए और ये देखिए इसके स्ट्रैंड्स कितने अच्छे मजे के बन रहे हैं। बहुत मजे की खुशबू आ रही है, वेरी नाइस। आ जाएं आप भी, सब मिलके खाते हैं। वेल डन, ब्रावो, थैंक यू, क्या बात है। थैंक यू सो मच वाइफी, लव यू। थैंक यू सो मच, लव यू टू एंड लव यू ऑल। इसको ट्राई कीजिएगा घर पे, जो घर की बनी हुई चीजें हैं ना उनका कोई जोड़ नहीं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू।